दोस्तों सामने आपको जो ये पिक्चर दिख रही है, ये तस्वीर दिख रही है, इसमें अपार जो जन सैलाब स्टेडियम में दिख रहा है आपको, आपको बता दें कि ये सभी EPS 95 पेंशनर्स हैं। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है संपन्न हो चुका है EPS 95 राष्ट्रीय EPS 95 समन्वयक समिति की तरफ से। EPS 95 राष्ट्रीय समन्वयक समिति नागपुर के जरिए ये कार्यक्रम जो है संपन्न हो चुका है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जो कि अब संपन्न हो चुका है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न रो में बैठे हुए EPS 95 पेंशनर्स हैं, जिनके अपार जन समूह और इस तपती गर्मी में ये अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा रहा है, जो कि स्टेडियम में रहा हुआ है ताकि पेंशनर्स को धूप व अन्य समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चलिए हम बढ़ते हैं, पूरी जानकारी समझते हैं कि क्या हुआ है और किस प्रकार से मीटिंग संपन्न हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वयक समिति मुख्यालय नागपुर में सन 2023 के पूर्व 2013 के पूर्व भगत सिंह कोश्यारी कमेटी एवं सुप्रीम कोर्ट का अमल हो अन्यथा गली से दिल्ली तक आंदोलन और दिल्ली में लाखों का धरना करने का एवं देश के सभी संगठनों को एक आकार मांग हासिल करने हेतु तो निवृत्त धारकों को नम्र निवेदन एवं नम्र विनती है। सभी निवृत्त कर्मचारी एवं कार्यरत कर्मचारियों को महोदय महोदया जी को सप्रेम नमस्ते। दिनांक 26 अप्रैल को केंद्रीय कार्यकारिणी CWC की सभा और दिनांक यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/2022 में पालघर मुंबई के नज़दीक प्रसिद्ध सभा गृह में जाहिर सभा, उसी प्रकार थाना महाराष्ट्र में 28 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध गडकरी रंगायतन ठाड़े सभागृह में आयोजित सभा में सभी व्यवस्थापना प्रमुख श्री आदरणीय विनायक गुट से शशिकांत ठोकले, श्री विकास कुलकर्णी, श्रीमती प्रिया परब जी और सभा में उपस्थित 18 राज्यों के से आए करीब 90 प्रतिनिधि एवं हजारों निवृत्त कर्मचारी एवं कार्यरत कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन सभी का हार्दिक एवं अभिनंदन है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, देश के सभी संपादक संचालक, दैनिक वित्त पत्र, वित्त वाहिनियां, सोशल मीडिया से नम्र प्रार्थना एवं निवेदन है, नम्र निवेदन है कि सन 2008 से सतत हम 60 से ऊपर के वयोवृद्ध सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के शांतता पूर्वक आंदोलन के बावजूद केवल समिति पर समितियां और न्यायालय पूर्वक आंदोलन करने का और के बावजूद समिति पर समितियां और न्यायालय में तारीख पे तारीख के सिवा हमें हमारे वंचित रखा जा रहा है, हमें इसलिए हमें मदद करने करें अन्यथा सभी संगठनों एक करके इस अमानवीय वेतन के को तुरंत हटाकर हमारी मांगें सन 2023 से पहले पूरी तरह करके अन्यथा मांगें पूरी न होने से निर्णय को गली से दिल्ली के आंदोलन करने का टाइम टेबल कोर कमेटी की सभा में रखकर मंजूर प्रदान करके अमल करने की घोषणा माननीय अध्यक्ष जी द्वारा की गई है। लाइलाज से गली से दिल्ली तक के आंदोलन का समन्वयक समिति का यह निर्णय है। आपके प्रसिद्ध वृत्त पत्र चैनल यूट्यूब द्वारा प्रसिद्ध करके करोड़ों निवृत्त धारक कार्यरत कामगारों तक पहुँचा हुआ समिति आपके आधारी और भविष्य में भी रहेगी। धन्यवाद है प्रकाश पाठक जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये मैसेज प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना विहंगम ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका और पेंशनर्स के अंदर अब जागरूकता जो है बड़े पैमाने पर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ अन्य पोस्टर है। EPS 95 नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी पालघर थाने की सभा में कुछ क्षणिक चित्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपार जन समूह जन सैलाब जो है पेंशनर्स का उमड़ पड़ा है और ये कार्यक्रम जो है संपन्न हो चुका है। विभिन्न नेतागण के जरिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर विभिन्न नेतागणों के जरिए ये संबोधन भी किया गया है और ये मीटिंग जो है संपन्न हो चुकी है, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में पेंशन उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। राय अपने जरूर कमेंट में दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो इन्फॉर्मेशन साझा की जा रही है, अगर पढ़ना चाहें तो socialbhikkhu.co की वेबसाइट है, वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। धन्यवाद।